एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानकुंज इतिहास के। तो आज हम लोग कुछ टैग वर्ड देखेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण टैग वर्ड हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड हैं जो कि ऑप्शन में हमेशा दिए रहते हैं, और इसको देखकर हम क्वेश्चन के सही ऑप्शन तक जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हैं और उसके बाद देखेंगे नेगेटिव टैग वर्ड। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट शुरू करेंगे, यहाँ पे खोजी अधिगम। अगर बच्चे में खोजी अधिगम रहेगा, खोजने की प्रवृत्ति रहेगी, तो ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा, तो इसे हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड में लेंगे। सेकेंड है हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर बच्चे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे सक्रिय। अगर बच्चा सक्रिय है तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है फोर्थ, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। बच्चे में कोई बच्चा डिसेबल होता है, कोई बच्चा थोड़ा कम पढ़ने वाला होता है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर बच्चे में ऐसा है तो इसे हम लोग नेगेटिव में नहीं लेंगे। नेक्स्ट है हमारा समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग है, बच्चा क्रिटिकली है, तो हमारा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है संवेदनशील। अगर बच्चा सेंसिटिव है, बच्चे में मतलब कोई भी अगर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा सेंसिटिव है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे त्रुटि और भ्रांतियाँ। त्रुटि और भ्रांतियाँ नेगेटिव टैग वर्ड नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा त्रुटि करेगा, कुछ गलती करेगा, तभी तो सीखेगा, तो हमारा क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा समझना। बच्चा में समझने की प्रवृत्ति होना चाहिए, ना कि रटने की, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चर्चा। अगर बच्चा किसी भी चीज़ को पे डिस्कशन करता है, किसी के पास बैठकर डिस्कशन करता है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा बाल केंद्रित। तो शिक्षा क्या होता है, होना चाहिए हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे प्रोत्साहित। अगर बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ना कि उसे हतोत्साहित करते रहना चाहिए। हतोत्साहित हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड, और प्रोत्साहित हमारा हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है करके सीखना। बच्चा हमेशा करके सीखेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हस्तपरक अनुभव, मतलब हैंड ऑन एक्टिविटी। बच्चा अगर जितना हाथ से करेगा वो उतना ही सीखेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब अधिगम के दौरान जो आकलन होता है, इसे हम लोग एक बोलेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको हम लोग अधिगम के दौरान आकलन कहते हैं। तो अगर बच्चा का अधिगम के दौरान आकलन हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वास्तविक दैनिक जीवन से जुड़ना। अगर कोई भी शिक्षक अगर कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अवसर। बच्चे को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, अवसर देते रहना चाहिए, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। लोकतांत्रिक हमारा हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट हम लोगों का संवेग, इमोशन शिक्षक का हो या बच्चे का हो, ये भी हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अवसर, अवलोकन करें और खोज। बच्चे में अगर अवसर, बच्चे को अवसर दिया जाए, अवलोकन, बच्चा अवलोकन करे, खोज की प्रवृत्ति हो, अन्वेषण करे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे को जिज्ञासु होना चाहिए। अगर बच्चा जितना जिज्ञासु रहेगा उतना सीखेगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है मातृभाषा। ये हमेशा क्या आता है, हिंदी के सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। मातृभाषा जो है बच्चे को हमेशा प्राथमिक 1-5 क्लास में बच्चे को हमेशा शिक्षा मातृभाषा में देना चाहिए, ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है बहुभाषिकता। अगर बच्चे में बहुभाषिकता की प्रवृत्ति है, मतलब बच्चा बहुभाषा को सीखना चाहते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। और नेक्स्ट है विभिन्न संदर्भ, मतलब विभिन्न संदर्भों में अगर में भाषा अगर उसे समझाया जाए, तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड शुरू करेंगे। नेगेटिव टैग वर्ड है पहला हम लोग का वलनी। अगर वलनी किसी भी ऑप्शन में वलनी दिया हो, सिर्फ दिया हो, तो ये सब हमारा क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है निष्क्रिय। अगर बच्चा निष्क्रिय रहा, ये भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चा निष्क्रिय रहा तो कुछ नहीं सीखेगा। मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ पुराने तरीके से ही चली आ रही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है दंड, सजा और भय, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को के अंदर दंड मतलब भय विकसित नहीं करना चाहिए, उसे दंड नहीं देना चाहिए, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे व्याख्या, व्याख्यान और परिभाषा। कभी भी पढ़ा
जो पढ़ाया जाता है वो व्याख्या मतलब परिभाषा देकर नहीं, बच्चे को समझाना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। रटना और याद करना, बच्चे को हमेशा समझ कर पढ़ना चाहिए ना कि याद करके। तो ये भी हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जो भेदन और अभ्यास, अभ्यास की प्रवृत्ति भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। जो शिक्षा होना चाहिए वो हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए ना कि पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे हतोत्साहित, मतलब बच्चे को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ये भी हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। कलन विधि, किसी भी काम को करने का एक तरीका है उसी पे नहीं चलना चाहिए। ये भी क्या है, हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है पृथक्करण और नामांकित, मतलब बच्चे को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पृथक्करण नहीं करना चाहिए। ये भी हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। अगर कोई बच्चा तेज है तो उसको ज़्यादा महत्व देना, कोई कम मतलब बुद्धि वाला है तो उसको कम महत्व, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट, मतलब अधिगम के बाद जो आकलन होता है, ये भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। इसको हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा तुलना, मतलब कभी भी कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। ये भी हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा 14 उपेक्षा, मतलब इग्नोर करना, बच्चों को इग्नोर करना भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा अनुशासन, अनुशासन जो है मतलब बच्चे को डिसिप्लिन में हमेशा रहे, ये भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है नियंत्रण, बच्चे पे कभी भी मतलब उसको कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है खाली स्लेट, बच्चा कभी भी ब्लैंक पेपर नहीं होता है, मतलब उसको कभी भी ब्लैंक पेपर नहीं समझना चाहिए, ये भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है अधिकारवादी, मतलब बच्चे पे अधिकार नहीं दिखाना चाहिए, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। और रोजगार पब्लिक वैसाख पब्लिक उच्च ग्रेड शिक्षा, मतलब कभी भी शिक्षा को देखकर नहीं, मतलब बच्चे के मन में ये नहीं भरना चाहिए कि वो रोजगार के लिए व्यवसायिक या उच्च ग्रेड की शिक्षा ये सब के लिए बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड थे जो मैंने आपको शेयर किया, और ये क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसको अच्छे से वीडियो देखकर याद कर लीजिएगा, और ये सीटेट एग्जाम में काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो आज का वीडियो यही है, और अगला वीडियो ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाती रहूँगी, अगला वीडियो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।